पर ले रहे हैं जल। आप जानते हैं कि जल के अणु का जब वियोजन होता है तो H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव आयन प्राप्त होते हैं। यानी कि जल जब टूटता है तो वह दो प्रकार के आयन देता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। लेकिन हम ये बता दें कि जो जल का वियोजन है बहुत ही कम होता है। यदि हम यहाँ पर एक मोल जल का वियोजन करते हैं तो ये प्रायोगिक रूप से देखा गया है। अब आप ये तो जानते हैं कि जल का एक मोल यानी कि उसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, जी हाँ, एवोगाड्रो संख्या के बराबर यानी कि 6.023 × 10³। और जल के इतने अणुओं में जब इनका वियोजन होता है तो हमें जो हाइड्रोजन आयन मिलते हैं वह मिलते हैं मात्र 10⁻⁷। और इसी तरह से जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उनकी मात्रा भी होती है केवल 10⁻⁷। तो आप देख सकते हैं इतने सारे जल के अणुओं में से बहुत ही कम जल के अणु वियोजित होते हैं। तो अब यहाँ पर यदि हम जल का पीएच बताएं तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई पीएच जो है वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, क्योंकि जो पीएच है वह है उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो पी का मतलब है पोटेंशियल या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, एच प्लस आयन की पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम देखें कि जो जल का पीएच होता है वह होगा या उसमें जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वह है 10⁻⁷। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को लिखें कि जिसमें पानी में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो इसे यदि हमें एक होल नंबर प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या किया गया, इस होल नंबर में लॉग में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पर इसकी लॉग वैल्यू निकालेंगे तो लॉग के फॉर्मूले के अनुसार ये यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 10⁻⁷। और इस तरह से यहाँ पर हमें मिल जाएगा -7 log base 10 10। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो log 10 है और log base 10 है, 10 इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर इस तरह से जो हमें वैल्यू मिलेगी या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी -7। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला हो गया pH इज इक्वल टू -log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से जो हमें pH मिला जल का वो हो गया 7। और इस तरह से हमें एक होल नंबर जो पूर्णांक संख्या प्राप्त हो गई जिसे स्केल के रूप में प्रदर्शित करना बहुत ही आसान हो गया। तो इस तरह से हमें जो pH प्राप्त करने का फॉर्मूला मिल गया वह हो गया pH इज इक्वल टू -log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हम जानते हैं कि जो जल है उसमें क्योंकि जल उदासीन होता है और जल में जितने सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की होती है उतनी ही सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयनों की भी होती है। तो इस तरह जैसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं उसी तरह से हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और यहां पर जब हम हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता जो जल में उपस्थित होती है वो रख दें तो यहां पर हमें मिल जाएगा -log base 10 10⁻⁷। और इस तरह से हमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी +7। इस तरह हमने देखा कि जल के लिए पीएच का मान होता है 7 और पीओएच का मान भी होता है 7। यानी कि जल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच और पीओएच का दोनों का योगफल 14 के बराबर होगा जिसे हम पी के डब्ल्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि पी के डब्ल्यू बराबर पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अब इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ किसी भी
जलीय विलयन के लिए पीएच और पीओएच दोनों का योगफल 14 के बराबर होता है, जो कि एक नियतांक या कांस्टेंट नंबर है। अब यदि हम उदासीन जल में क्षार की मात्रा बढ़ा दें, यानी कि वहां पर पीओएच की मात्रा बढ़ा दें, तो उसी अनुपात में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल अब भी 14 ही रहेगा। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर एसिड पानी में एसिड मिला दें, तो वहां हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो उसी अनुपात में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल 14 ही होगा। इसका मतलब यह है कि अम्लीय माध्यम के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता से अधिक होगी, तथा क्षारीय माध्यम के लिए हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से कम होगी, जबकि उदासीन विलयन के लिए पीएच यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तथा पीओएच यानी कि हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता साथ साथ होगी, और इस स्थिति में दोनों का योगफल 14 एक नियतांक होगा। और हम जानते हैं कि जो जल है उसमें दोनों की मात्रा बराबर होती है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो पीएच स्केल लिया गया है उसमें हमने पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक रखी है, और जिससे हम किसी भी अम्लीय या क्षारीय विलयन में पीएच की गणना कर सकते हैं, क्योंकि जल का जो पीएच होता है वो होता है 7, और हम जानते हैं कि जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि जल उदासीन होता है, और इसीलिए ये जो पीएच स्केल की 7 वैल्यू है यह हमें उदासीन अवस्था को दर्शाती है। और इसका मतलब कि यहाँ पर जैसे जैसे हम पीएच में कम संख्या की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जा रही है, यानी कि यहाँ पर बाईं ओर चलने पर अम्लीयता बढ़ती है, और दूसरी ओर दाईं ओर चलने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो रही है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस दिशा में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ती है, यानी कि विलयन की क्षारीयता बढ़ती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो पीएच का फार्मूला प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम पीएच को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीएच की परिभाषा हो जाएगी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक के को उस विलयन का पीएच मान कहा जाता है, यानी कि पीएच इज इक्वल टू -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू, यदि माइनस हटा दें तो यहां पर हो जाएगा log/10 by कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर यदि हम इसे हाइड्रोजन आयन के रूप में लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा H कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10^-pH। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि विलयन में जो हाइड्रोजन आयनों की मात्रा होती है उसे यदि हम 10 के आधार पर घात के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो 10 के आधार पर जो ऋणात्मक घात होता है उसका संख्यात्मक मान ही उस विलयन का पीएच होता है। यानी कि यदि हमें विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता हो तो हम आसानी से उसकी पीएच वैल्यू पता कर सकते हैं, या फिर यदि हमें पीएच वैल्यू पता हो तो हम उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यदि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है 10^0, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है वह है H की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-pH, तो यहाँ पर जो घात लगी होती है 10 के ऊपर जो घात होती है उसका संख्यात्मक मान ही तो pH है। तो यदि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यदि हम 10 के आधार पर व्यक्त कर रहे हैं, यदि हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहते हैं 10^0, तो यहाँ पर pH क्या हो जाएगा? 0।
इसी तरह से यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है 10^-1, तो इसका मतलब है उसका पीएच हो जाएगा 1। तो इसी तरह से यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है 10^-14, तो उसका पीएच हो जाएगा 14। तो इसी आधार पर ये स्केल पीएच स्केल तैयार हो गई है। यदि हम पीएच स्केल पर फिर से देखें तो यहाँ पर जो अभी आपको सिर्फ 0 से लेकर 14 तक के अंक दिखाई दे रहे थे, उसमें आप आसानी से आप पता कर सकते हैं कि यदि पीएच 0 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10^0 है, यानी कि 1 mol/L है, क्योंकि हम जानते हैं 10^0 का मतलब वैल्यू होती है 1। तो यानी कि यदि किसी विलयन का पीएच मान या उसमें उपस्थित पीएच मान 0 है तो ये दर्शाता है कि उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10^0 यानी कि 1 mol/L है। इसी तरह से यदि यहाँ पर पीएच वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वह है 10^-1। यानी कि यदि हम सांद्रता लें या मोलों की संख्या में लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी 0.1 mol/L। इसी तरह से यहाँ पर हम यदि पीएच वैल्यू 7 है तो ये दर्शाता है कि इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10^-7 है। यानी कि यहाँ पर जो एक में हम 7 शून्यों वाली जो संख्या है उससे यदि भाग देंगे तो जितने 0.0000 जो मान प्राप्त होंगे उतने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उदासीन जल में उपस्थित होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पीएच वैल्यू 0 है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है। जैसे जैसे पीएच वैल्यू आगे बढ़ रही है यानी कि 7 की तरफ जा रही है, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घट रही है, क्योंकि इसके जो घात है वह अधिक ऋणात्मक होता जा रहा है। यानी कि जो अधिक घात यदि ऋणात्मक है और उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है तो उसका जो होल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। इसी तरह से जब हम 7 से आगे बढ़ते हैं यानी कि पीएच वैल्यू यदि 8 है, इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10^-8 है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और भी कम हो गई है। और जब हम अंत में पहुंचते हैं पीएच वैल्यू 14 पर, वहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई है 10^-14, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ही कम है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10^0 है यानी कि पीएच 0 है, उस समय जो दर्शाता है कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, यानी कि अम्ल अधिक प्रबल है। और जैसे जैसे 7 की तरफ बढ़ते हैं अम्लीय प्रबलता कम होती जाती है और 7 पर ये उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 7 जो है उस समय जो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों दोनों की मात्रा बराबर बराबर हो जाती है। और उसके बाद जब हम बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती जाती है जबकि हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जल का आयनी गुणनफल होता है वह होता है KW = हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन * हाइड्रोक्साइड आयनों की कंसंट्रेशन। यानी कि इन दोनों की कंसंट्रेशन सांद्रताओं का गुणनफल एक नियतांक एक कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि यदि विलयन में अम्ल की यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो उसी अनुपात में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कम होती जाएगी, क्योंकि दोनों के गुणनफल का मान तो निश्चित है कांस्टेंट है। और इस पीडब्ल्यू इसका जो मान होता है इसका मान केडब्ल्यू इसका मान होता है 10^-14, तो ये तो कांस्टेंट रहना है। तो यदि आप एक की सांद्रता बढ़ाओगे तो उसी अनुपात में दूसरे की सांद्रता कम होती जाएगी। तो इस तरह से हम इसी पीएच स्केल पर देख सकते हैं। तो यदि पीएच स्केल में यहाँ पर यदि पीएच वैल्यू 0 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10^0 है, तो यहाँ पर उसकी पीओएच वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं पीएच
प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो पीओएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस पीएच वैल्यू, यानी कि यदि पीएच शून्य है तो पीओएच की वैल्यू 14 होगी और उसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो होगी 10^-14, यानी कि बहुत ही कम। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, यदि पीएच 2 की तरफ जाते हैं तो पीएच 2 दर्शाता है कि उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10^-2 है। तो यहां पर पीओएच वैल्यू क्या होगी, 14-2 यानी कि 12। तो यहां पर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10^-12। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती जाती है, वैसे वैसे हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कम होती जाती है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि क्यों जो जब हम क्षार का पीएच वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हमें क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो किसी भी जब जल में हम किसी अम्ल या क्षार का विलयन बनाते हैं, क्योंकि जल में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता तो पहले से ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होती है, जब हम उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, तो उसी अनुपात में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। दूसरी ओर जब हम जल में किसी क्षारक को मिलाते हैं तो उस विलयन में क्योंकि क्षारक का काम है हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करना, तो वैसे ही उसमें बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाते हैं, इसीलिए जबकि वहां पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उसी अनुपात में कम हो जाती है। तो यही कारण है किसी अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन तो उपस्थित होते ही हैं, वहां पर कुछ मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन भी उपस्थित रहते हैं। इसी तरह किसी क्षारक के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं तो थोड़ी मात्रा में वहां पर हाइड्रोजन आयन भी उपस्थित रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो पीएच वैल्यू है या पीओएच वैल्यू है, इसमें तथा हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता में किस प्रकार का संबंध है। आइए अब हम पीएच या पीओएच से संबंधित कुछ छोटे छोटे गणितीय सवाल हल करते हैं, जिससे आपका पीएच और पीओएच से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं, हमारे पास है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है 10^0, तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी गई है, हम यहाँ पर रख देते हैं तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा -log/10^0। तो यहाँ पर पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -log/10^1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि पीएच का जो मान होगा वो हो जाएगा 1। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है पीएच 6 और किसी विलयन का पीएच है 6 और इसमें उपस्थित हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता करनी है, तो हम यहाँ पर जो उसका दूसरा फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-pH, ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में हमारे पास दिया हुआ है पीएच की वैल्यू 6, तो हम यहाँ पर रख देते हैं पीएच की वैल्यू 6, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ये 10^-6। तो जब ये कन्वर्ट हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो 10 के आधार पर ऋणात्मक घात लगा होता है उसका संख्यात्मक मान ही तो पीएच होता है ना। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो हमें मिल जाएगी 10^-6। इसी तरह से आइए एक और सवाल हल करते हैं। दिया है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 2×10^-3 है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। हम जानते हैं pH is equal to होता है -log/concentration of H+ ion। यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दी गई है जो कि 2×10^-3 है, तो इसे अब हम फार्मूले में रखेंगे।
फॉर्मूला है माइनस लॉग, और इसमें हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रख देते हैं जो कि 2 × 10⁻³ है। इसे आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस लॉग 2 प्लस 3 लॉग 10। आगे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस 3 लॉग 10। अब यहाँ पर माइनस करने पर हमें जो यहाँ पर लॉग 2 की वैल्यू रखेंगे जो कि होती है 0.3010, और इसी तरह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3। दोनों को माइनस करने पर हमें जो पीएच वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 2.699। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास विलयन कंसंट्रेशन दी गई है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ है मोलर पर लीटर, और इसका हमें पीएच वैल्यू निकालनी है। तो फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे अपना जो फार्मूला है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की, वो है 10⁻³। तो इसका जो पीएच वैल्यू हो जाएगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा 3। इस तरह से आपने किसी भी विलयन की पीएच या पीएओएच वैल्यू का मापन करना सीख लिया है। आइए हम जानते हैं कि इस वैल्यू का उपयोग हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, या हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस पीएच वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। हम जानते हैं कि प्रारंभ में भी मैंने अध्याय के प्रारंभ में बताया था कि पीएच वैल्यू का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं हमारी शरीर की पाचन क्रिया। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कई प्रकार के एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, और ये सभी एंजाइम्स एक निश्चित पीएच पर ही कार्य करते हैं। जैसे कि अमाशय से सीक्रेट होने वाला एंजाइम पेप्सिन, जो कि प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक है, यह एक निश्चित पीएच पर ही काम करता है। और इस ये जो पीएच होता है वह कम होता है, यानी कि यह अम्लीय माध्यम में अच्छी तरह से काम करता है। इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन किया जाता है जो कि आमाशय के पीएच को अम्लीय बनाता है, जिससे कि ये जो एंजाइम्स हैं वह अच्छी तरह से काम कर पाते हैं, और जिससे हमारे शरीर की जो जैव रासायनिक क्रिया है या जो पाचन की प्रक्रिया है वह सुचारू रूप से चल पाती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि रक्त का पीएच, हमारे शरीर का जो रक्त है उसके पीएच का मान 6.8 से लेकर 7.8 के बीच होना चाहिए, यानी कि यह जो पीएच मान है वह थोड़ा उदासीन से लेकर हल्का क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। इसी अवस्था में या इसी पीएच मान में हमारे जो रक्त की के जो अणु होते हैं वह सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। यदि पीएच अम्लीय हो जाता है उस स्थिति में हमारे शरीर के जो रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन है उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि वह हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का ही कार्य है ऑक्सीजन के अणुओं को ग्रहण करना और उन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो जब पीएच अम्लीय हो जाता है तो इन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के अणुओं को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमारी जैविक रासायनिक क्रिया प्रभावित होती है और हमारा जो चयापचय की क्रिया है प्रभावित होती है, और जिससे हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह से हम देखें कि जो पौधे और जंतु होते हैं उनमें स्वयं की रक्षा करने के लिए भी इस प्रकार के जो अम्ल और क्षारक हैं वह उनकी सहायता करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था जो बिच्छू पौधे होते हैं जिसे नेटल प्लांट कहते हैं, उसमें कुछ रोए या कांटे जैसी संरचना पाई जाती हैं, और जब ये हमारे हाथों में चुभ जाते हैं तो चुभने की वजह से वहाँ पर ये एसिड का सिक्रेशन करते हैं जिससे हमें काफ़ी जलन होती है। इससे हमें तो जलन होती है लेकिन वह पौधा अपने आप को कटने या किसी जानवर के द्वारा खाए जाने से बचा लेता है, यानी कि अपनी रक्षा कर लेता है। इसी तरह से एसिड का सिक्रेशन करके जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया था चींटियाँ या मधुमक्खियाँ भी अपनी आत्मरक्षा करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं लार का पीएच।
हमारी जो बकल कैविटी है या मुख गुहा है उसमें जो लार का सिक्रेशन होता है, तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे बकल कैविटी का जो पीएच वैल्यू है वह भी निश्चित होना चाहिए, यानी कि हमारी जो मुख गुहा है उसका जो पीएच है वह थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा हमारे जो दांत होते हैं उसका इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है जो जल जो काफ़ी मजबूत है और जल में तो नहीं घुलता है, लेकिन यदि पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे चली जाती है यानी कि माध्यम अम्लीय हो जाता है तो ये कैल्शियम फॉस्फेट घुलने लगता है, यानी कि हमारे दांतों का इनेमल वहाँ से हट जाता है और इसी को हम कहते हैं दांतों का क्षय होना, यानी कि हमारे दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन क्योंकि रात भर जो भोजन का पाचन होता है, शुगर का पाचन होता है, उसके फलस्वरूप जो हमारे मुख की गुहा का माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है। इसीलिए हमें प्रातःकाल जो क्षारीय प्रकृति के टूथपेस्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उस अम्लीयता को कम किया जा सके। इसी तरह जब हम दिन भर खाना खाते हैं तो उसमें भी पाचन के फलस्वरूप जो एसिड का सिक्रेशन होता है उससे हमारी जो मुख गुहा है उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है, और इसी अम्लीयता को कम करने के लिए हमें रात में भी एक क्षारीय प्रकृति के टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए और उससे दांतों को साफ करना चाहिए ताकि हमारे जो दांत हैं वह मजबूत बने रहें। इसी तरह से हम देखते हैं मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच भी जानना हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिट्टी का पीएच होता है वह किसी भी फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है। और हम जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में तो चावल की ही खेती बहुत अधिक होती है, और चावल के लिए जो पीएच होता है मिट्टी का वह 5 से 8 के बीच होना चाहिए, लेकिन कई बार हम बहुत सारे उर्वरकों का उपयोग करते रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मिट्टी की जो क्षारकीयता है कम हो जाती है, उसमें अम्लीयता बढ़ जाती है, और इसी कारण जो हमारी मिट्टी की उपजाऊपन है या जो चावल की खेती के लिए जो सही पीएच है वह मेंटेन नहीं रह पाता। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे किसान भाई हैं वह मिट्टी की उर्वरता को बनाने के लिए या उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए कई बार उसमें चूने या फिर का छिड़काव करते हैं ताकि उस बढ़ी हुई अम्लता को वो कम कर सकें और जो हमारी फसल का उत्पादन है वो अच्छा हो। हमने अभी तक अम्लों, क्षारकों तथा उनसे जुड़े हुए पीएच वैल्यू को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम जानते हैं लवण के बारे में। आपने क्रियाकलाप में देखा था कि जब हम अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो वहाँ पर उदासीनीकरण की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप हमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। लवण कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं जिसमें से एक विधि होती है उदासीनीकरण की विधि। जब हम अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाते हैं तो हम जानते हैं कि अम्ल जब जली विलयन में जाते हैं तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वह जली विलयन में जाने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन आयन है और जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये आपस में मिलकर जल बनाते हैं, जबकि जो अन्य आयन होते हैं वह जो अम्ल और क्षार में उपस्थित जो अन्य आयन शेष आयन होते हैं वह आपस में मिलकर लवण बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लवण ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं जिनका एक भाग धनावेशित होता है जबकि दूसरा भाग ऋणावेशित होता है। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड लवण का। हम जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड बनता है वह अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलाने से बनता है, और इस तरह से हम देखें कि जो सोडियम क्लोराइड तथा जल बन रहे हैं उसमें सोडियम क्लोराइड में से जो Na प्लस आयन है या पॉजिटिव आयन है वह हमें क्षार से प्राप्त हो रहा है तथा जो Cl नेगेटिव आयन है वह हमें अम्ल से प्राप्त हो रहा है, और इसी तरह जो क्षार में उपस्थित जो क्षार से प्राप्त होने वाले आयन होते हैं यानी कि पॉजिटिव आयन उन्हें हम क्षारीय मूलक कहते हैं, जबकि अम्ल से प्राप्त होने वाले ऋणावेशित आयनों को हम अम्लीय मूलक कहते हैं।
तो इस तरह से कोई भी लवण दो प्रकार के मूलकों से मिलकर बना होता है, एक अम्लीय मूलक और दूसरा क्षारीय मूलक। और हम यहाँ पर यह भी बता दें कि कोई भी लवण विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि उसमें धन आयनों या ऋण आयनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है। तो आइए अब हम कुछ लवण का बनना समझते हैं, उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके बनने से जो मिलने से जो लवण बनता है वह है सोडियम क्लोराइड और साथ में मिलता है जल। इसी तरह से यदि हम ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 और इसकी क्रिया कराते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार से, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमें क्षार है उससे धनावेशित आयन प्राप्त होगा यानी कि पोटेशियम, और जो अम्ल है उससे ऋणावेशित आयन प्राप्त होगा यानी कि NO3-। और इस तरह से जो लवण होगा वह होगा पोटेशियम नाइट्रेट तथा साथ में जल बनेगा। फिर हम यदि हम लेते हैं अम्ल के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तथा उसकी क्रिया कराते हैं हम क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड से यानी कि CuOH2 से, तो यहाँ पर भी क्षार से प्राप्त होने वाला धनावेशित आयन यानी कि क्यूप्रिक आयन और अम्ल से प्राप्त होने वाला सल्फेट आयन यानी कि SO4-2- आयन ये आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं जिसे हम क्यूप्रिक सल्फेट कहते हैं, साथ ही साथ जल प्राप्त होगा। और उदाहरण लेते हैं, ये आप जानते हैं कार्बनिक अम्ल जो दुर्बल अम्ल होता है वह है एसिटिक अम्ल यानी कि इसका सूत्र है CH3COOH। जब इसकी क्रिया हम क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर अम्ल से हमें एसीटेट आयन मिलता है CH3COO- आयन तथा क्षार से प्राप्त होता है धनात्मक मूलक यानी कि Na+ आयन, और इस तरह से हमें जो लवण मिलता है उसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट और इसका सूत्र होता है CH3COONa और साथ में जल बनता है। और उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड की क्रिया ही जब हम एक दुर्बल क्षार से कराते हैं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो यहाँ पर हमें जो लवण मिलेगा वह होगा अमोनियम एसीटेट जिसका सूत्र है CH3COONH4। और इस तरह से यहाँ पर अमोनियम से एसीटेट लवण प्राप्त हो रहा है और साथ ही मिल रहा है जल। इस तरह से हम देखते हैं कि लवण का जो धनात्मक भाग है वह हमें मिल रहा है क्षारकों से और लवण का जो ऋणात्मक भाग मिल रहा है वह अम्ल से, और इसीलिए इन्हें हम क्षारकीय मूलक तथा अम्लीय मूलक कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि लवण जो बन रहे हैं उसमें एक अम्ल क्षार से क्रिया कर रहा है जिसके बीच उदासीनीकरण की क्रिया हो रही है, सामान्य रूप से हम यह कहते हैं, जिससे लवण बनता है और जल बनता है। लेकिन क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? जब हमने क्रियाकलाप किया था उसमें हमने विभिन्न लवण और अम्ल तथा क्षार के विलयनों के पीएच निकाले थे, तो उसमें हमने नमक का पीएच निकाला था जो कि लवण है, वो हमें 7 प्राप्त हुआ था। जब हमने अमोनियम एसीटेट का पीएच निकाला था तो वह भी हमें लगभग 7 के प्राप्त हुआ था जो कि उदासीनता को दर्शाता है। लेकिन आपको याद होगा जब हमने खाने के सोडा का पीएच मान निकाला था तो यह हमें 9.5 प्राप्त हुआ था, और 9.5 पीएच दर्शाता है कि विलयन उदासीन नहीं है, कैसा है, यह क्षारीय प्रकृति का है। इसी तरह से जब हमने क्यूप्रिक सल्फेट विलयन का पीएच मान निकाला था तो वो काफ़ी 7 से कम आया था, यानी कि ये दर्शा रहा था कि क्यूप्रिक सल्फेट चूँकि लवण है लेकिन इसके जो विलयन का पीएच मान है वह इसकी अम्लीयता को दर्शाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराते हैं तो जरूरी नहीं है कि बनने वाला लवण या बनने वाले लवण की प्रकृति हमेशा उदासीन ही हो। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि किन स्थितियों में बनने वाले लवण उदासीन होते हैं तथा कब इनकी प्रकृति अम्लीय या क्षारीय होती है।
तो यहाँ पर हम देखें कि जब भी हम लवण की बात करते हैं या उसके अम्लीयता या क्षारीयता की बात करते हैं, तो हमें इस बात पर पहले ध्यान देना होगा कि वह लवण किस प्रकार के अम्ल या क्षारों से मिलकर बना है, यानी कि उसको बनाने वाले अम्लीय तथा क्षारीय जो अम्ल या क्षार हैं उनकी प्रकृति कैसी है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं क्यूप्रिक सल्फेट। अब हम जानते हैं कि जो क्यूप्रिक सल्फेट का जो क्षारीय मूलक है यानी कि क्यूप्रिक आयन है, वह हमें प्राप्त हुआ है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड से, जबकि जो सल्फेट आयन है वह हमें प्राप्त हुआ है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से। अब हम जानते हैं कि जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है यह एक दुर्बल क्षार है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो लवण है क्यूप्रिक सल्फेट, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी, और इसकी प्रकृति अम्लीय होगी वह इस बात से को दर्शाता है कि यहाँ पर जो क्षारीय या अम्लीय अम्ल जिनकी क्रिया से हम लवण बना रहे हैं उनकी प्रकृति कैसी है। क्योंकि यहाँ पर भाग लेने वाला अम्ल प्रबल है, जबकि जो भाग लेने वाला क्षारक है वह दुर्बल है, और इसीलिए बनने वाले लवण की प्रकृति अम्लीय हुई। उसी तरह से यदि हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो क्षार का स्रोत है, जो क्षारीय मूलक का स्रोत है, वह है प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि जो अम्ल है वह दुर्बल अम्ल है कार्बोनिक अम्ल। तो इसीलिए इनसे मिलकर बनने वाले लवण की प्रकृति क्षारीय प्रकृति की होगी। इसी तरह से जब हम अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का जो स्रोत क्षार है वह दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जबकि इसका जो स्रोत अम्ल है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक प्रबल अम्ल है। तो इसलिए जब भी हम अमोनियम क्लोराइड का अम्लीय विलयन जो विलयन बनाएंगे तो उसकी जो प्रकृति होगी वह अम्लीय होगी, क्योंकि यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है। इसी तरह से जब हम पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट एक प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा प्रबल अम्ल नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बना होता है, और चूंकि यहाँ पर दोनों ही प्रबल है और इसीलिए दोनों प्रबल होने की वजह से एक दूसरे को पूरी तरह से उदासीन कर देते हैं, और इसीलिए इनसे बनने वाले लवण यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट के विलयन की प्रकृति उदासीन होती है। तो इन उदाहरणों के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बनने वाले लवण की प्रकृति उनको बनाने वाले अम्ल या क्षारीय क्षारों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आप बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड के विलयन की प्रकृति कैसी होगी। जी हाँ, आप बता सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चूंकि एक प्रबल क्षार पोटेशियम जो पोटेशियम क्लोराइड है वह एक प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्रबल अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना है, इसलिए इनकी इनको मिलने से बनने वाला जो लवण है यानी कि पोटेशियम क्लोराइड उसकी प्रकृति उदासीन होगी। तो अब तक हमने अम्लों क्षारकों तथा लवण की भिन्न भिन्न प्रकृति तथा उनके गुणों और उनके महत्व को अच्छी तरह से समझ लिया है, लेकिन जब हम अम्ल की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना जरूरी हो जाता है, और वह है अम्लीय वर्षा। आपने हमेशा पेपरों में पढ़ा होगा कि अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल की जो सफ़ेदी है वह कम होती जा रही है, ताजमहल पीलापन उसमें बढ़ता जा रहा है, या फिर आपने देखा होगा कि समुद्र में अम्लीय जल की वजह से जो अम्लीय जीव जंतु हैं उनकी संख्या कम हो रही है। तो इस प्रकार के जो अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव हम देखते हैं, तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि यह अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा हम जानते हैं कि जो
शुद्ध वायु होती है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड की निश्चित मात्रा होती है। लेकिन जहाँ पर कारखानों का धुआं निकलता है, क्योंकि कारखानों में बहुत सारे जो जीवाश्म ईंधन है उनको जलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा बहुत अधिक निकलती है। इसी तरह से जब हम पेट्रोल, डीजल इनका बहुत अधिक दहन करते हैं, बहुत अधिक उपयोग करते हैं, तो पूरे वातावरण में ही सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ये गैसें जब ऊपर से वर्षा होती है तो वर्षा जल में ये आसानी से घुल जाती हैं, और हम जानते हैं कि ये सभी जो गैसें हैं वो अम्लीय प्रकृति की होती हैं, क्योंकि ये सभी अधातुओं के ऑक्साइड हैं, और इसीलिए जब इनका जलीय विलयन होता है, बनता है, या जल में ये जब घुल जाती हैं तो अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह और अधिक ऑक्सीकृत होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, और फिर जल में मिलकर यह सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। और हम जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो बहुत ही संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ये विभिन्न पदार्थों जैसे कि संगमरमर से बनी वस्तुएं, पत्थरों से बनी हुई वस्तुएं या कैल्शियम कार्बोनेट चूने से बनी हुई वस्तुओं को बहुत ही अधिक क्षति पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, ये मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए भी तथा पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही अधिक घातक होते हैं। यही वजह होती है कि जब ये पेड़ पौधों पर गिरते हैं तो उनकी पत्तियां हरे से पीले रंग की हो जाती हैं, तथा उनमें होने वाली जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं प्रभावित होती हैं, और धीरे धीरे ये जो पेड़ पौधे हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जब ये अम्लीय वर्षा का जल भूमि में गिरता है, जमीन में गिरता है, तो निश्चित रूप से जल की अम्लीयता में वृद्धि कर देता है, और जिससे धीरे धीरे वह भूमि अम्लीय होती जाती है, बंजर होती जाती है, यानी कि उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है। इसी तरह से जलीय जीवन, जो जल में पाए जाने वाले या समुद्र में पाए जाने वाले जो जलीय जीव होते हैं, जब ये वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा का जल वहाँ तक पहुँचता है तो पूरा जो विलयन है वह अम्लीय हो जाता है, जिसकी उपस्थिति में ये जलीय जीवन, जीवों का जो जीवन है, क्रियाएं हैं, यह प्रभावित हो जाती हैं। और खासकर ये देखा गया है कि ये जो अम्ल हैं ये जल में घुलकर, यानी कि जलीय विलयन के रूप में, अम्लीय वर्षा के रूप में तो घातक होते ही हैं, साथ ही साथ ये जो संक्षारक गैसें होती हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, यह यदि वातावरण में सूखे रूप में भी उपस्थित होती हैं तो हमारे शरीर के लिए घातक होती हैं। यह सांस की बीमारी, अस्थमा जैसी बीमारियां उत्पन्न करती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें अम्लीय वर्षा को रोकना होगा, और अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए ये जरूरी है कि हमें जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करना होगा, साथ ही साथ कारखानों से जो निकलने वाले धुएं हैं उन्हें फिल्टर करके वातावरण में जाने देना होगा, और इस तरह से उपाय करके हम अम्लीय वर्षा से स्वयं की तथा प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा एक बहुत ही दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ और महत्वपूर्ण अध्याय हमने पढ़ा। इस अध्याय में हमने बहुत सी सारी चीज़ें सीखी, हमने जाना कि हमारी प्रकृति में चारों ओर जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं वो अम्ल, क्षारक या लवण के रूप में होते हैं, उनकी पहचान करने का तरीका हमने सीखा, हमने कई प्रकार के प्राकृतिक सूचक या फिर रासायनिक सूचक, ऑल्फैक्टरी सूचक या फिर पीएच सूचकों का उपयोग किया, और इससे हम किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता की तुलना कर पाए। हमने लवण के विषय में जाना तथा उनके गुणों से परिचित हुए, और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि पीएच वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन में हमारे जीवों और पौधों के लिए क्या महत्व होता है। हमने सीखा, पहला, सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण सूचक के रंग में परिवर्तन होता है। दूसरा, अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस
लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा, हम अपने आसपास पाए जाने वाले गुड़हल एवं लाल गुलाब के फूल, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, कचनार का फूल आदि का उपयोग भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में कर सकते हैं। चौथा, हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल एवं क्षार की सूचना देते हैं। ऐसे सूचकों को घ्राण सूचक ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं, जैसे लौंग का तेल, प्याज तथा वेनिला आदि। पांचवा, अम्ल और क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर संगत लवण बनाकर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। छठवां, अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। सातवां, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। आठवां, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नौवां, अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वे अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अम्ल में H+ आयन तथा एक ऋणावेशित आयन तथा क्षार में OH- आयन और एक धनावेशित आयन बनते हैं। दसवां, pH मान द्वारा किसी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की मात्रा को 0 से 14 तक के स्केल में व्यक्त किया जाता है। ग्यारहवां, किसी उदासीन विलयन का pH मान 7, अम्ली विलयन का pH मान 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। बारहवां, लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है जिसे क्षारीय मूलक तथा ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं। तेरहवां, लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है। मुख्य बिंदु कीवर्ड्स: प्रतिअम्ल, क्षार, क्षारक, सूचक, घ्राण, गंधीय सूचक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल वर्षा, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक।